हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त वैकेंसी जो कि आपकी निकल कर आ रही है EMRS की तरफ से, जिसमें JSA की पोस्ट यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। और मैं खुद एक JSA हूँ, तो आपको इस पोस्ट के बारे में बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि क्या ये पोस्ट होती है, क्या वर्क रहता है, क्या आपका एग्जाम कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके, और वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, EMRS की तरफ से भर्ती निकली है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की स्कूल की तरफ से ये भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, ये जो स्कूल होते हैं वो आपके जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स होता है उसके अंतर्गत आते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यानी कि शिक्षा मंत्रालय है, उसके अंतर्गत भी स्कूल आते हैं, ठीक है? तो उस स्कूल में ये भर्ती निकली है। तो दोस्तों, ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं एक तरीके के, यानी कि यहीं पर बच्चे रहते हैं, यहीं पर टीचर्स वगैरह, यहीं पर जो JSA यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ होता है वो भी यहीं पर रहता है। तो इसमें JSA की पोस्ट निकली हुई है यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, कितनी वैकेंसी निकली है, एज क्या मांगी गई है, फीस क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यानी कि आप जब इसका फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी आपके फाइनल सिलेक्शन तक, एग्जाम का पैटर्न यानी एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे उसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलने वाला है आपको, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी यानी कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर काम करना पड़ेगा, जॉब लोकेशन यानी हाउ टू प्रिपरेशन यानी कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके के कुछ एकलव्य मॉडल स्कूल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, यहीं पर पढ़ते हैं। काफ़ी शानदार ये स्कूल होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आते हैं और ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, ये दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके के एकलव्य आदर्श जो है आपके विद्यालय होते हैं आवासीय। चलिए आप देखिए, और यहाँ पर मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एज अ JSA हूँ इन नवोदय विद्यालय, अभी रिसेंटली में मैंने ये जॉब छोड़ दी है, और मैं अभी सीनियर क्लर्क हूँ इन इंडियन रेलवे में, ठीक है? तो आपको इसमें मैंने कुछ समय तक काम किया था, तो आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि क्या काम करना होता है, सैलरी क्या मिलती है, पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा, मेरा पूरा वर्क रूटीन वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि मैं दिन में क्या करता था, कैसे काम करता था वहाँ पर, सैलरी क्या मिलता था, खाने में क्या मिलता था, क्योंकि आप भी एक रेजिडेंशियल स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको खाने के लिए, रहने के लिए और सब कुछ सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है? और KBS JSA का भी इंटरव्यू डाला है। KBS JSA होता है एक, NVS का JSA होता है एक, EMRS का, ये तीनों ही स्कूल के स्कूल हैं, और NVS और EMRS सिमिलर होते हैं क्योंकि ये रेजिडेंशियल होते हैं दोनों, KBS नॉन रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। तो आप ये वीडियो देख लेना, ये मैं लास्ट में लगा दूंगा, अगर आपको थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए, क्योंकि सैलरी वगैरह लाइफ वगैरह लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़ा सा रहने का थोड़ा बदल जाता है, ठीक है? चलिए, और ये वर्तमान में मेरी अभी पोस्ट है, ठीक है, रेलवे में। चलिए अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं दोस्तों कि कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं वो 29 जून से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं, और 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी जाइए इसके फॉर्म फिल कर दीजिए। दूसरा, चलिए नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं यानी कि कितनी वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, कुल जो EMRS के अंदर है, कुल आपकी वैकेंसी निकली है 4062, बट हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशली JSA के बारे में। JSA की जो वैकेंसी है दोस्तों, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, वो निकली है 759 वैकेंसी है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कितनी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपकी 759 है। UR के लिए 311 वैकेंसी निकली है, EWS के लिए 75, OBC के लिए 204, SC के लिए 113 और ST के लिए 56 निकली है। वहीं OH के लिए 10 और HI के लिए 11, अदर्स के लिए 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए 75 वैकेंसी निकली है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, मतलब इतनी सारी वैकेंसी एक बार में निकलना JSA के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो इस बार अच्छा मौका है, आप भी जॉब ले सकते हैं। अभी बताऊंगा क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए एज की बात कर लेते हैं दोस्तों, एज क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम ईयर कोई भी नहीं है, यानी कि मिनिमम 18 साल का या 17 साल का या 16 साल का कैंडिडेट भी इसका फॉर्म भर सकता है। और इसमें जो मैक्सिमम ईयर यानी कि आपकी जो उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसमें कंडीशन है, ठीक है? 30 साल तक के हो तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिलती है। और बाकी ऑल ये डिटेल आपको दे रखी है मैंने, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आप देख लेते हैं फीस क्या रखी गई है, यानी आप जब फॉर्म भरेंगे तो कितना पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर आप जनरल OBC EWS से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देना होगी, और SC ST या PH कैंडिडेट है तो आपको 0 रुपये शुल्क देना होगा। इन माध्यम से आप अपनी फीस को भर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी, यानी कि योग्यता क्या मांगी, कौन से डिग्री डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, केवल आपने 12th पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जब आप फॉर्म भर देंगे,
इसके बाद पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी। तो आपको इंग्लिश या हिंदी कोई एक, ध्यान रखना कोई एक टाइपिंग आपको आना चाहिए। आगे टाइपिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से टाइपिंग होती है, क्या होता है, क्योंकि अभी अभी आपको स्टार्टिंग में टाइपिंग नहीं चाहिए। जब आप एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद एक टाइपिंग का टेस्ट होगा, तब आपको टाइपिंग आना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बाद में सीखना पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद कौन सा एग्जाम होगा, फिर क्या स्टेज होगी, फिर क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं जेएससी का। सबसे पहले आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। उसके बाद जब आप पेपर पास कर लेंगे तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नीचे का होगा, इसके कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। डीबी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन तीन स्टेज से होकर आपको गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन तक, ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरीके से पूछा जाएगा। तो जेएससी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ई एम आर एस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्ट इन ओ एम आर एस बेस्ड पेन पेपर मोड, यानी कि पेन पेपर मोड पे आपका एग्जाम होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से कुछ आपका पेन पेपर मोड पर ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। इस तरीके की शीट आपको दिया गई जिसमें आपको गोले काले करने होंगे, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। चलिए आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो टोटल 130 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका पार्ट वन रहेगा, जिसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, उससे भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। चौथा आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे 30 क्वेश्चन, और इसमें 15 हिंदी के रहेंगे 15 इंग्लिश के, ठीक है, आई होप आप समझ होंगे। चौथा आपका पांचवा पार्ट आपका होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स आपको इसके दिए जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपके 130 क्वेश्चन होंगे और 130 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग में बताई 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 2.5 घंटे आपको टाइमिंग दी जाएगी पूरे पेपर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सब कुछ बता दिया, जब आप इस पेपर को पार कर लेंगे उसके बाद आपका टीयर टू एग्जाम होगा, उसमें आपको टाइपिंग करना होगी, वो भी पर्सनल कंप्यूटर पर, जिसमें आपको 50 मार्क्स की टाइपिंग रखी गई है, पासिंग मार्क्स 20 रखे गए, ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे, केवल 20 मार्क्स अगर लाते हैं पास 50 में से तो आप टाइपिंग को पास कर ले जाएंगे, ठीक है। और 1:3 यानी कि लगभग 759-760 वैकेंसी है, तो 3 गुना इसका कैंडिडेट बुलाया जाएगा, ठीक है, 3 6 18 और 3 7 21 और 22, लगभग 2280 जो कैंडिडेट है वो टाइपिंग के लिए आपके यहाँ पर कॉल किए जाएंगे जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है, तो आई होप आपको समझ गए होंगे। चलिए अब इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ये पूछा जाएगा, अब इसके अंदर क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैंने इसका सिलेबस ऑलरेडी सभी जितनी पोस्ट निकली सबका टेलीग्राम पर डाल दिया है, अगर आपने अवेल नहीं किया तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये चैनल का नाम है, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करेंगे द एग्जाम्पल पर, तो आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा, आप उसमें जाएंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है, ठीक है, यानी सिलेबस के अंदर क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की, रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में आपको देखिए यहाँ से पजल सेटिंग रीजनिंग पूछेगी, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट वेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बल्वर रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस पूछा जाएगा, सीरीज डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, और बेन डायग्राम्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें कि इसमें क्या पूछा जाएगा, तो आपसे रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑफ इजिस, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएमएससीए, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछा जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसाइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर रहेगा वो ज़्यादातर आपसे पूछेगा, और इसकी जीके की तैयारी आपको जो है मेरे द्वारा कराई जाएगी, साथ ही साथ हिंदी की भी तैयारी आपको मेरे द्वारा, और कंप्यूटर की तो स्पेशली तौर पर आपको मेरे द्वारा जो है प्रिपरेशन कराई जाने वाली है। चलिए तो आप देख सकते हैं हिंदी में क्या पूछेगा, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य, अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इंग्लिश में आपके वर्ब, टेंस, वॉइसेस, सब्जेक्ट वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारा कुछ आपसे जो है ये पूछा जाएगा आपके इंग्लिश में। बात कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस पूछा जाएगा, कीवर्ड, शॉर्टकट पूछे जाएंगे, एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स पूछे जाएंगे यानी फुल फॉर्म, एब्रीविएशन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो तीन सब्जेक्ट की आपको मेरे द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी, हिंदी की, कंप्यूटर की और जीके की, तो उसके लिए आप जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए और इसके लिए बता दूं, मैंने बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो डाले हुए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखे थे, सर्वनाम का है, ये कंप्यूटर का है, ये कारक का है, इसी तरीके से मैंने जीके के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। चैनल पर आप जाएंगे तो मेरे को आपको चैनल पर मिल जाएंगे। मैं नए सिरे से आपको पढ़ाने वाला हूँ तो उसके लिए चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बात हो गई एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की, अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में, यानी कि सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे कि लेवल टू की ये जॉब है जिसमें आपको 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपका पूरा जो सैलरी का वो होता है बैंड वो रहेगा, जिसमें आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी जैसे कि वो मिलेगी आपको 32,000 से ऊपर, 32 से 33,000 की सैलरी बनती है। मैं अपनी सैलरी जो स्लिप है वो आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। 2 मंथ की मेरी सैलरी आई थी, पहले मंथ कितनी आई थी, सेकंड मंथ कितनी आई थी, और मेरे अभी जो फ्रेंड है वो एज अ JSA अपॉइंटेड है नवोदय विद्यालय में, तो रिसेंटली आपको उनकी सैलरी स्लिप भी मैं दिखा दूंगा कि रिसेंटली में उनकी सैलरी स्लिप क्या बनती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या थी और अभी क्या बनी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। और कोई भी डाउट है आपके मन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, क्या काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, ये सारा कुछ, ठीक है। तो क्या काम करना होगा इसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरा वीडियो के थ्रू बताऊंगा मैं वहाँ पर कैसे काम करता था, पूरा दिखाऊंगा लाइव कि मैं क्या क्या वहाँ पर दिन भर में करता था और कहाँ मुझे काम करने को मिला था, किस सिटी में मिला था, क्या सिटी थी, कैसी सिटी थी, क्या वर्क होता है, क्या कल्चर होता है, पूरा कुछ आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए और ये मेरा एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने आपको मेरा ऑफिस दिखाया था कि मैं कहाँ काम करता हूँ, है ना, छोटा सा झलक दिखाई दी, तो ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो के खत्म होती है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक कर देना तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए अब आप बोल रहे हो कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैंने बता दिया कि मेरे द्वारा आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस जो भी रहेंगी वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो और उसके लिए आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को, साथ साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। मैंने बता दिया द एग्जाम हेल्पर, जीके द एग्जाम हेल्पर उसका नाम है, वहाँ पर आपको PDFs वगैरह फ्री मटेरियल वहीं पर आपको प्रोवाइड करेगा। और मेरा एक सेकंड चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, जहाँ पर भी जहाँ पर आपको जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी जीके कंप्यूटर वगैरह की, तो उसको ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है। चलिए तो मैंने लगभग सारी, ये देखिए ये वाला चैनल है द एग्जाम पर जीके, तो नीचे टेलीग्राम पर लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल आपको दे दी है और इस वाले चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर सारी मैं इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट डालते रहता हूँ। चलिए बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, कोई भी डाउट है।